अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है सबकी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डेली एक्सपेंस इन किर्गिस्तान, इन कैपिटल ऑफ किर्गिस्तान इन बिश्केक। ड्यू टू टू रीजंस, जो न्यू स्टूडेंट आते हैं उनके लिए गाइडलाइन, एंड सेकेंड अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के लिए जो हमारे से पूछते हैं क्या खर्चात हैं, क्या एक्सपेंस है वहाँ के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे लिविंग एक्सपेंस के बारे में। कुछ यूनिवर्सिटीज हॉस्टल प्रोवाइड करती हैं, मतलब स्टूडेंट को फर्स्ट ईयर कंपलसरी कर देते हैं हॉस्टल में रहना है यूनिवर्सिटी के, और या कुछ यूनिवर्सिटी सिक्स मंथ के लिए कंपलसरी कर देती हैं स्टूडेंट के लिए हॉस्टल में रहना है, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट प्राइवेट हॉस्टल में रहते हैं। जब आप एडमिशन लेंगे तो यूनिवर्सिटी के जो हॉस्टल्स हैं उनके अगर वन ईयर कंपलसरी है तो आपको वन ईयर का हॉस्टल पे करना पड़ेगा। $600 है वन ईयर का, और कुछ में है वन सेमेस्टर का जो कि $300 है पर मंथ, $50 पड़ता है, और $100 आपको मेस का देना पड़ता है पर मंथ, तो जो कि $150 बन जाता है। जैसे कि हम प्राइवेट हॉस्टल में रह रहे हैं, हमारे हॉस्टल का रेंट तकरीबन $130 से $150 तक वेरी करता है, आप कितने शेयरिंग बेडरूम में रह रहे हो, और इसमें खाना वगैरह भी सारा इंक्लूडेड है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स आते सारी हॉस्टल्स छोड़कर फ्लैट्स या डॉर्म वगैरह पे अपने फ्रेंड्स के साथ जो रहते हैं, यहाँ पर पहले से होते हैं उनके साथ शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो फ्लैट लाइफ है ना वो काफ़ी कूल लाइफ है, क्योंकि यूनिवर्सिटी हॉस्टल के मुताबिक अगर आप प्राइवेट हॉस्टल रह रहे हैं तो वो काफ़ी अच्छा पड़ता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी हॉस्टल काफ़ी लोगों ने हॉस्टल को फेस किया होगा, आपको भी पता होगा। वो फ्लैट में आपके एक्सपेंस वेरी करता है आप किस लिविंग स्टाइल से रह रहे हो, ठीक है, मतलब कुकिंग वगैरह आपको खुद करनी होती है और बाकी मैनेज वगैरह खर्चे वगैरह सारा खुद करना होता है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग आपको खुद बाई करके खुद मैनेज करनी पड़ती है, अपने मंथ के हिसाब से चलानी पड़ती है, सब्जी वगैरह होगी, चिकन वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब आप खुद मैनेज करते हो। तो फ्लैट के जो रेंट्स है ना वो वेरी इस तरह करते हैं, टू शेयरिंग है आपका, थ्री शेयरिंग, आप कितने बंदे रह रहे हैं, कितने पर्सन हैं, अगर ज़्यादा पर्सन रहोगे तो आपको कम पड़ेगा, अगर कम रहेंगे टू शेयरिंग रहोगे तो ये डिफरेंट मिलता है। लोकेशंस भी डिपेंड करती है कि आप सेंटर के करीब ले रहे हो, यूनिवर्सिटी के करीब ले रहे हो, जहाँ पे इस तरह वेरी करता रहेगा। नॉर्मली फ्लैट वगैरह की बात कीजिए, अगर टू बेडरूम वेल फर्निश्ड आप फ्लैट रहते हो रेंट पे, तो तकरीबन उसका $250 मंथली रेंट बनता है, जिसमें फर्स्ट टाइम आपको कमीशन भी देना पड़ता है, तकरीबन $100-$150 बनता है कमीशन, और डिपॉजिट बनता है मेनली मैक्सिमम $100 डिपॉजिट लेते हैं। यहाँ पर जो मेस है, अगर आप खुद कुकिंग करते हैं तो आपको मेस इतना एक्सपेंसिव नहीं पड़ता, ये डिपेंड करता है कि आप कितने बंदे रह रहे हैं, अगर आप ज्यादा बंदे रह रहे हैं और मेस भी आप नॉर्मल कर रहे हैं तो आपको $110-$120 में आपका जो है ना मेस और रेंट वो क्लियर हो जाता है। उसके अलावा आपको बिल्स भी आ जाते हैं, बिल्स देने पड़ते हैं इलेक्ट्रिक का, उसके अलावा गैस का, और ज़्यादातर बिल आते हैं यहाँ पर हीटर्स के, इलेक्ट्रिक गैस के, आप सारे बिल्स भी कैलकुलेट कर लें तो $10 मैक्सिमम बनेंगे, लेकिन जो अगर आप डिपेंड करते हैं हीटर्स कितने ज़्यादा चलाते हैं, जितने ज़्यादा हीटर्स चलाएंगे उस हिसाब से आपका बिल बढ़ता जाएगा। बात करेंगे ट्रांसपोर्ट पे, तो मोस्टली स्टूडेंट इधर दो तरह की ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, या तो टैक्सी कराएंगे या वो लोकल ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे। टैक्सी इधर यैंडेक्स ऐप है और भी काफ़ी ऐप्स हैं जिनकी, जैसे पाकिस्तान में ऊबर करीब वगैरह चलती है, इधर यैंडेक्स ऐप मोस्टली ज़्यादा चलती है। लोकल ट्रांसपोर्ट में बिश्केक में आपको 10-15 सोम पे करने पड़ते हैं, आप बिश्केक में कहीं भी जा सकते हैं 10-15 सोम पे करके, और यैंडेक्स की जहाँ तक बात की जाए यैंडेक्स काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ती है। स्टूडेंट मेरे ख्याल में स्टूडेंट पे अगर वो एक्सपेंस अपने मिनिमाइज करना चाहते हैं तो उन्हें टैक्सी कम से कम यूज़ करनी पड़े। मैंने जो कैलकुलेट किया है उसमें आपको $10 जो है आप यूनिवर्सिटी आते हैं जाते हैं, जो आपका लोकल ट्रांसपोर्ट का जो एक्सपेंस है वो $10 है। $120 अगर आप फ्लैट पे रह रहे हैं वो, और $10 ये $130 हो गया। और जहाँ तक रही बात यैंडेक्स की, यैंडेक्स मैक्सिमम स्टूडेंट्स के यूज़ करते हैं कि या बहुत ज़्यादा स्नो हो या कोई इमरजेंसी बन जाए या यूनिवर्सिटी जाना हो, लेट हो रहे हैं, एग्जाम हो, इसलिए स्टूडेंट यूज़ करते हैं। और ऐसी सिचुएशन में स्नो हो या लेट टाइम लेट नाइट हो या कुछ भी इश्यूज़ हो तो उस टाइम यैंडेक्स होती भी एक्सपेंसिव है। कुछ स्टूडेंट्स ने अपनी गाड़ियाँ वगैरह रखी हैं, मतलब, या कुछ स्टूडेंट ऐसे करते हैं अपनी 3-4 स्टूडेंट मिलकर अपनी गाड़ी वगैरह ले लेते हैं, फ्यूल वगैरह काफ़ी सस्ता है पाकिस्तान की नस्बत इधर, तो वो अगर उस लिहाज से देखा जाए तो आपको ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंस काफ़ी कम पड़ जाता है। अगर आप अपने ले रहे हैं कोई भी व्हीकल तो वो आपको बेस्ट पड़ती है, क्योंकि आप एक तो ईजी रहते हैं
और लेकिन ये है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह होना चाहिए, और ये है कि यहाँ पे आपको कार्स वगैरह लेंगे वो पाकिस्तान की नस्बत काफी काफी सस्ती पड़ जाती है। अब बात करते हैं मोबाइल पैकेज के एक्सपेंस वगैरह की, क्योंकि इंटरनेट तो मोस्टली स्टूडेंट की बेसिक नीड है इंटरनेट के बाहर, क्योंकि स्टडी वगैरह सारी होती है सिर्फ स्टूडेंट की नहीं सब की। अगर आप फ्लैट या डोम वगैरह में वाई फाई वगैरह लगवाते हो तो वो भी काफी मतलब आपको चीप पड़ता है, लेकिन अगर आप आउटडोर जाते हो तो आपको बदारी बात है बाहर भी इंटरनेट वगैरह चाहिए होते हैं कॉल्स इंटरनेट कॉल्स और नेटवर्क वगैरह के लिए। तो बाहर मोबाइल पैकेज की बात की जाए तो ऑलमोस्ट काफ़ी सिम वगैरह हैं इधर, जैसे कि मेगाकॉम होगी, ओश होगी, बीलाइन होगी, इनके नेटवर्क चलते हैं। तो मेगाकॉम के पैकेज की बात की जाए तो तकरीबन 500 to 700 सोम मंथली आपका इंटरनेट का पैकेज अगर आप गुजारा चलाना चाहें चल जाते हैं। मेगाकॉम के 500 वाले पैकेज में आपको 45 GB मिलते हैं, अगर आप 750 वाले करवाते हैं तो उसमें आपको 50 GB उसके बाद अनलिमिटेड, अगर सिंगल एंड यूजर है तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसके अलावा 1000 सॉन्ग वाला भी है अगर वो आप करवाते हैं उसमें 100 GB है, आप अपने अपने यूजर्स तक है। और जितनी बात रही जो बाकी सिम्स की, तो मैक्सिमम स्टूडेंट मेगाकॉम यूज़ करते हैं, बाकी के भी तकरीबन सेम पैकेज है जिसमें कॉल्स और SMS इंक्लूडेड होते हैं। तो अब बात करेंगे आउटडोर एक्सपेंस की, आप आउटिंग कितनी करते हैं, बाहर जाते हैं, क्या खाते हैं, फास्ट फूड आप कितना फास्ट फूड पसंद करते हैं, कितना खाते हैं, कितने आपके पास पैसे हैं, कितने आप लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल शॉर्मा पिज्ज़ा बर्गर वगैरह की मिसाल दें, अगर आप शॉर्मा वगैरह खाने जाते हो तो 150 सोम का शॉर्मा है, और डिटेल में हमने वीडियो बनाई है आई बटन में शायद इधर या उधर आ रही हो। और पिज्ज़ा वगैरह की अगर आप मिसाल लें तो फैमिली साइज पिज़्ज़ा 750 सोम का मिलता है, या फिर डिपेंड करता है कितनी आप आउटिंग वगैरह करते हो, क्योंकि जाहिर सी बात है स्टूडेंट लाइफ में हमें खर्चा भी निमाइज करने के लिए आउटिंग वगैरह थोड़ी कम करनी पड़ती है। अगर जाहिर सी बात है जितनी होटलिंग वगैरह करोगे उतना एक्सपेंस आपका बढ़ेगा, क्योंकि इधर चीज़ें काफ़ी होटलिंग वगैरह में एक्सपेंसिव हैं। कुछ रेस्टोरेंट्स हमने विजिट किए हैं तो वो आई बटन में हम डाल देंगे, आप एक्सपेंस चेक करना चाहते हैं, रेस्टोरेंट चेक करना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं। तो अभी स्टेशनरी को डिस्कस करते हैं। स्टेशनरी में नॉर्मली आपको स्टूडेंट को जैसी मतलब पेन नोटबुक वगैरह और बाकी चीज़ वगैरह चाहिए होती हैं, तो प्राइस इतना डिफरेंस नहीं है, मतलब जैसे कि पाकिस्तान में प्राइस वगैरह हैं चीज़ों वगैरह की, तो ऐसे ही इधर भी प्राइस है। लाइफ में जो स्टेशनरी का एक्सपेंस है वो सबसे ज़्यादा जो है वो मेडिकल बुक्स का, क्योंकि मेडिकल बुक्स काफ़ी एक्सपेंसिव हैं और यहाँ से बहुत मुश्किल से मिलती हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट पाकिस्तान से ही लेके आते हैं। जो मेडिकल बुक्स का खर्चा है वो हर सेमेस्टर हर ईयर जब भी सेमेस्टर नया स्टार्ट होता है तो वो आपका खर्चा आता ही आता है। हम अदर डेली एक्सपेंस के बारे में बात करते हैं, छोटी मोटी चीज़ें आ जाती हैं जैसे कि कोक हो गया, दूध हो गया, बिस्किट्स वगैरह, मतलब रोज़मर्रा की जो भी छोटी मोटी चीज़ें यूज होती हैं। जैसे कि आपके कोई गेस्ट वगैरह आ गए उनके लिए आप कुछ लेकर आते हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो डेली लाइफ में आप समझ नेसेसरी होती हैं, इनके बगैर अधूरी सी होती है ज़िंदगी। ये जो डेली एक्सपेंस है ना ये आप पर डिपेंड करता है आप कितना एक्सपेंस करते हैं, लेकिन ये आपका है $20 तो आप पे आएंगे मस्ट है, $20 to $30 हो सकते हैं, ये तो आप पे डिपेंड करता है आप कितने उड़ाते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं ओवरऑल एक्सपेंस कि एक मेडिकल स्टूडेंट जो यहाँ पर ओवरऑल उसको कितना ओवर कंप्लीट हो जाएगा नॉर्मल स्टूडेंट के लिए, ऑलमोस्ट $150 to $170 हो तो वो अच्छा गुजारा कर सकता है, गुजारा हो सकता है उसका। और अगर हॉस्टल में रह रहे हैं तो 150 का तो आपको हॉस्टल में देना पड़ता है, और उसके अलावा 50 आपके अदर एक्सपेंस में आ जाएंगे, $200 को पड़ता है। एज अ मेडिकल स्टूडेंट या एज अ नॉर्मल स्टूडेंट अगर आप बात करें तो हमें खर्चा मिनिमाइज करना चाहिए अपना, मतलब काफ़ी कम करना चाहिए, मतलब एज अगर आप ओवर आउटिंग वगैरह करेंगे या ओवर होटलिंग वगैरह करेंगे तो जाहिर बात है खर्चा आपका नॉर्मल लिमिट से ओवर होगा खर्चा। तो कोशिश ये करनी चाहिए मतलब ज़रूरत के मुताबिक मतलब एक्सपेंस करना चाहिए और अपना बजट मैनेज करना चाहिए। और इंशाल्लाह हम बनाएंगे अपने हॉस्टल पे एक पूरा टूर बनाएंगे, हॉस्टल के लिए वीडियो बनाएंगे, काफ़ी सारे भाइयों के पिछले वीडियो में उन्होंने कमेंट आई थी जब हमने शिफ्टिंग की थी कि हॉस्टल अपना दिखाएं, तो इंशाल्लाह हॉस्टल पे भी बनाएंगे और आपको दिखाएंगे ज़रूर। उम्मीद है आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।